हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आयो अच्छे होंगे। मेरा नाम है अरबी अदरम भाई, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको सैलरी शीट को कैसे बना सकते हैं। बहुत ही लोग सर्च मारते हैं हाउ टू मेक मोबाइल इन सैलरी शीट, ठीक है। तो सैलरी शीट ओनली आप कंप्यूटर से ही बना सकते हैं, लेकिन तो हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं आप खुद के मोबाइल से बना सकते हैं सैलरी शीट। यानी आपको कोई प्राइवेट कंपनी है तो कंपनी में काम कर रहे हैं मैनेजर हुए या कोई और हुए, तो आप लोग सैलरी शीट, अगर किसी का सैलरी शीट बनाना चाहते हैं तो आप खुद के मोबाइल में सैलरी शीट बनाकर उसको सेव करके रख सकते हैं। कौन बंदा किसका कितना काम किया, कितने दिन काम किया है, ये सब सैलरी शीट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले एक एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी जो मोबाइल में आपके इंस्टॉल होना चाहिए, उसका नाम है पिक्सेल एप्लीकेशन। उसको डाउनलोड कर लीजिए और मैं एक प्रोजेक्ट दे दूंगा, जो प्रोजेक्ट का नाम है पीएलई फाइल, आपको दे देंगे जो आपको सैलरी शीट का प्रोजेक्ट का काम कर देगा। ओनली हमेशा आपको उसके अपने मोबाइल में रखना है और उसमें आपको हमेशा एडिटिंग करते जाना है। कैसे कैसे करना है आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू टेस्ट, पहले पिक्सेल अपनी डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको न्यू टेस्ट आएगा, इसको डिलीट कर देना है। और जो मैं पीएलई फाइल आपको बना कर दिया हूँ, उस पीएलई फाइल को पहले नीचे इसमें डाउनलोड कर लेना, वीडियो में कोई पासवर्ड नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको थ्री आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थ्री आइकन पे क्लिक करेंगे और जो पीएलई फाइल आपको मैं दे रहा हूँ उस पीएलई फाइल को आप यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। इसमें ऐड करने के लिए ओपन एंड पीएलई फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सैलरी शीट का पहले से मेरा ऐड है, तो आप न्यू टेस्ट न्यू ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो आपको डाउनलोड किए हैं उसको अनजिप पे उसके जाने के लिए आपको यहाँ पर ओपन एंड पीएलई फाइल का ऑप्शन देगा, उसके चेक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ का ऑप्शन दिखे तीर का, ठीक है। तीर पे क्लिक करेंगे आपको फाइल मैनेजर खुल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड में जाना है, जहाँ भी फाइल को अनजिप करके रखे उस पर जाना है। जैसे मैंने कहा सैलरी शीट इन मोबाइल, ठीक है। तो उस फाइल को आपको जाना है, उस फाइल को देख लेना है कहाँ पर लिखे हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम खोज लेते हैं सैलरी शीट का, ठीक है। तो सैलरी शीट पोस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको उस फाइल को खोज लेना है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके यानी आपको अनजिप करके रखे हो, ठीक है। तो आपको वहाँ पर देख लेना है कौन सा फाइल था। तो हम उस फाइल पे चले जाते हैं और यहाँ से खोल लेते हैं और नीचे यहाँ पर सैलरी शीट लिखा हुआ होगा, तो देख लेते हैं सैलरी शीट पोस्टर, ठीक है। तो सैलरी शीट पोस्टर के नाम से था, तो थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सैलरी शीट पोस्टर। इसको फाइल को ऑन करेंगे तो अंदर एक पीली फाइल शो करेगा, इस पर टाइप करना है, ठीक है। और टैप करने के बाद आपको ओपन एंड ऐड का ऑप्शन देगा, इस पर टैप करना है। इस पर टैप और एक बार नोटिफिकेशन कहेगा तो आपको ओके कर देना और एक बार बैक बटन दबा देना। तो यहाँ पर से हम कहीं भी जो है टैप कर देते हैं, तो यहाँ पर से बैक बटन दबा देना है। उसके बाद आपका ये सैलरी शीट आपको यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है ईएमपी आईडी, ठीक है। तो ईएमपी आईडी का मतलब है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो आप लोग कंपनी में काम करते कितना नंबर से कौन सा बंदा है। उसके बाद ईएमपी नेम में जैसे लिखा है अभय, रोहित, रमय, दीपक, इस तरह से लिखा हुआ है। इस सब पे आप चाहो तो टैप करके ये सब आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बुक सैलरी, यहाँ पर लिखा है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर डुओ पे क्लिक करना होगा और सारे के सारे फाइल का जो आपको यहाँ पर लिंक दिया गया है सबको पहले अनलॉक करना है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर देख लीजिए सारे के सारे चीज़ को पहले अनलॉक करना है। हम लॉक करके रखते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा डिस्टर्बिंग ना हो। तो ये जितना चीज़ आपको यहाँ पर दिखा होगा डिज़ाइन लिखा है, तो पहले आपको सारे के सारे चीज़ को आप यहाँ पर से अनलॉक करना है। तो यहाँ पर से हम सारे के सारे चीज़ को अनलॉक कर लेते हैं। ओनली आपको सिर्फ टेस्ट को अनलॉक करना है, ठीक है। जो यहाँ पर डिजाइन का आपको लेटर सिर्फ आपको अनलॉक करना है, बाकी आपको कुछ चीज़ छूना नहीं है। अगर तो वहाँ इधर उधर हो जाएगा तो आप लोग को बहुत ही दिक्कत होगी और फिर से पीएलई फाइल ऐड करके फिर से क्रिएट करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाए। अरे जो आपको पाई पाई सा लग रहा है, ये सबको लॉक ही रखना है, कुछ इसमें आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ओनली आपको यहाँ पर लेटर का जो लिखा हुआ है उस सबको भी अनलॉक भर करना है। तो यहाँ पर से आपको डुओ पे फिर से टैप कर देना है। जैसे यहाँ पर दिखा दूँ, इस वाला लेटर पे दो बार टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको सैलरी नंबर यानी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर है उन लोगों का, यहाँ पर आपका अंक द्वारा अगर जितने नंबर पे जो बंदा काम कर रहा है उसका आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको जो आपको ईएमपी आई नेम है लोग हैं तो उन लोगों का नाम यहाँ पर से जो जल्दी कभी जो लोग बढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर अभय, रोहित, रमय और दीपक लिखा हुआ है, आगे और भी बंदे आपके अंदर में काम करते हैं तो उन लोगों का यहाँ पर नाम लिख के चले जाना है और नाम लिख कर आगे यहाँ पर ओके करेंगे तो आपका यहाँ पर नाम बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर एक और नाम हम लिख के बता देते हैं, जैसे यहाँ पर रमय दीपक लिखा हुआ है जैसे कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर और अगर जैसे यहाँ पर लिख देते हैं आरबी यादव, ठीक है। तो यहाँ पर आरबी और यादव, ठीक है। एक और नाम हमको बढ़ाना है तो यहाँ पर आरबी यादव, ठीक है।
तो मैंने यहाँ पर आर बी यादव लिख दिया और यहाँ पर से फिर से आपको ओके बटन दबा देना है। ओके बटन दबाएंगे तो यहाँ पर नीचे देखिए एक और नाम बढ़ गया। अब इसको आपको अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ पर इस वाले पे बीच वाले पे टैप करेंगे, ठीक है। इसके बीच वाले को टैप करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन देगा आपका, ठीक है, ए पर, ठीक है। ए पे टैप करेंगे तो आपको ऑप्शन देगा इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर से कोई भी आप यहाँ से क्लिक करके आपको अपना साइज, यहाँ पर आपको साइज पे क्लिक करना है और साइज अपने हिसाब से यहाँ पर मैनेज करके 14 है तो आप इसको 15 बढ़ाएंगे तो कुछ अच्छा सा इसको साइज इस तरह से क्रिएट होगा। उसके बाद आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं। इसी तरह से आपको हर चीज़ यहाँ पर लिखा है ना, और सैलरी लिखा हुआ है तो सैलरी पे टैप करेंगे। वर्किंग डे का ऑप्शन है तो वर्किंग डे यानी आप कितने दिन बंदा काम किया है आपके अंडर में वो सब लिख सकते हैं। उसके बाद उसके आगे वर्किंग डे अमाउंट, ठीक है, वर्किंग डे अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है तो वर्किंग डे अमाउंट यानी वर्क किया बंदा कितना दिन एक महीने में कितना उसका वर्किंग डे अमाउंट होता है वो सब यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ओवर टाइम, यहाँ पर ओवर टाइम डे लिखा हुआ है यानी बंदा आपके महीने से ओवर टाइमिंग करता है तो ओवर टाइमिंग का भी डेट यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ कितना दिन ओवर टाइमिंग किया उसका ओवर टाइमिंग डे का अमाउंट कितना हुआ उसका वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्शा यहाँ पर इसका अमाउंट लिखा हुआ इसको लिख देते हैं। उसके बंदे का पी एफ कितना कट रहा है, हर पर मंथ कितना परसेंट पी एफ कटता है, यहाँ पर 11% पी एफ लिख दे सकते हैं कितना रुपए उसका हर मंथ पी एफ कटता है। उसके बाद आपको एडवांस कितना रुपए लिया वो भी लिख सकते हैं। उसके आगे नेट सैलरी लिखा है, ठीक है, नेट सैलरी, ठीक है, आगे नेट सैलरी यानी टोटल उसका अमाउंट कितना होगा सारे के सारे यहाँ पर जो सैलरी से लेके और यहाँ पर ओवर टाइम का पैसा जो लिया है और यहाँ पर एडवांस पैसा लिया है उस सब जोड़ के यहाँ पर अमाउंट डिटेल लिख सकते हैं। यहाँ पर 12,241 रुपये इस बंदे ने लिया है, इसके बाद इस बंदे ने इतना रुपये लिया एडवांस, सब कुछ जोड़ के यहाँ पर ओवर टाइम का पैसा यहाँ पर लिख सकते हो। इस तरह से लिख लेने के बाद आपको इसको प्रोजेक्ट को कैसे सेव करना है तो सेव करने के लिए आपको यहाँ पर सेव पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर सेव टू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हो या तो यहाँ पर सेव एंड इमेज भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सेव एंड प्रोजेक्ट के आपको रिएक्शन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो, ऐड कर लेंगे उसका सेव टू इमेज पे भी क्लिक करके इसको ऐड कर लेना है। यानी अगर बंदे के पास भेजना चाहते किसी बंदे के पास या तो आप अपने ऊपर से मैनेजर के पास भेज रहे हैं तो सेव एंड इमेज पे सेलेक्ट करके इसका इमेज निकाल सकते हो HD में। उसके बाद सेव टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली इस तरह के प्रोजेक्ट इसको भी सेव कर सकते हो। तो जैसे सेव एंड इमेज पे क्लिक कर लेते हैं उसके बाद एक ऑप्शन देगा आपको क्रिएट यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अल्ट्रा करना है, उसको सेव टू गैलरी पे सेव कर लेना है। अगर आपको हमारा ये PLE फाइल PNG फाइल आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाने वाले जो वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता है। अगर किसी प्रकार की आपको कोई भी प्रॉब्लम पड़ती है तो नीचे हमारा टेलीग्राम इंस्टाग्राम नंबर है तो लिंक है वहाँ से फॉलो कर लीजिए, कोई भी कमेंट करके आप अपना डिटेल जो भी दिक्कत है पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।